लवलीज़, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हो, सेफ हो, मजे में होगे। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैंने नाइका हॉट पिंक सेल से अपने लिए क्या क्या चीजें ली है। सेल तो अब खत्म हो चुकी है, बट हाँ मैं उस वक्त रिकमेंडेशन वीडियो में सोच रही थी डालने को, बट मैं डाल नहीं पाई, सॉरी इस टाइम, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर थी, सो दैट्स वाई। तो या वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि मुझे थोड़ा कफ एंड कोल्ड हो गया था, अभी भी है बट पहले से बहुत ही बेटर है, बट आवाज अभी भी बहुत ही खराब आ रही है, सो प्लीज बेयर विद दिस। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। चलिए वन बाय वन मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या क्या ली है, और हाँ मैं कोई भी सीक्वेंस में नहीं दिखाऊंगी, बस जो भी मेरे हैंड में आते जाएगा उसे मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मेरे हैंड में आया है वो है ये ब्रॉन्जर। ये रिमेल लंदन का नेचुरल ब्रॉन्जर है इन दिस सेड 003 सनसेट। इसकी एमआरपी है 749 रुपीज और मुझे ये 375 रुपीज का मिला गाइस। बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा था इस बार, तो मैंने बहुत सारी चीजें ली हैं। तो ये एक कूल टोन ब्रॉन्जर है और बहुत ही बटरी सॉफ्ट है। कलर मैं आप लोगों को इसका दिखाती हूँ, अगर कैमरे में कैप्चर हो पा रहा हो तो आप देख सकते हो इसका कलर जो है वो भी बहुत ही प्रीटी, बहुत ही सॉफ्ट है। ब्लेंड काफी अच्छे से हो जा रहा है, काफी इजिली मैंने इसे यूज किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो एक अफोर्डेबल ब्रॉन्जर की कैटेगरी में आता है जब ये डिस्काउंट पे रहता है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये मेबलिन का स्काई हाई लेस सेंसेशनल मस्कारा वाटरप्रूफ लिमिटलेस लेंथ फुल वॉल्यूम। इसकी एमआरपी है 799 और ये मुझे मिला 475 रुपीज का, अगेन बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे। तो ये मैंने तीसरी बार इसे रीस्टॉक किया क्योंकि मुझे ये मस्कारा बहुत ही अच्छा लगता है, लेंथ काफी अच्छी प्रोवाइड करता है। मींस अगर आप फॉल्सेस नहीं लगाते हो या फिर आपको लगाना पसंद नहीं है या लगाना नहीं आता है तो आप इस मस्कारा में इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लेंथ एंड वॉल्यूम प्रोवाइड करता है ये मस्कारा। वैसे मैंने दो या तीन और भी लिए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो एंड जेल आईलाइनर 2-in-1 है ये। ये मींस आप आईब्रो भी इससे कर सकते हो और लाइनर की तरह भी यूज कर सकते हो, मींस एज ए जेल लाइनर भी। इसकी एमआरपी है 399 रुपीज और मुझे ये 239 रुपीज का मिला है। तो इसे मैंने अभी तक यूज नहीं किया है। ओ वाओ, पैकेजिंग तो इसकी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। यहाँ पर निकालते हैं हम इसका ब्रश इस तरीके का, आप जिससे कि लाइनर ड्रॉ कर सकते हो और आईब्रो भी अच्छे से कर सकते हो। प्रोडक्ट जो है वो मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ। ओ वाओ, सच ए क्यूट आईब्रो और जेल आईलाइनर आप बोल सकते हो, बहुत ही क्यूट है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको एक छोटू सा मिरर मिल जाता है, तो या कर सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा है, मतलब मिरर की क्वालिटी अच्छी है, सही है। छोटू सा है तो थोड़ा मतलब क्लोज में आके करना होगा, बट वाओ अच्छा है। इसका सेड ऐसा है, ये जेट ब्लैक है। सो ये पाउडरी है, ये क्रीमी तो मुझे नहीं लग रहा है, मैं इस पे रब कर रही हूँ तो मुझे ये पाउडरी पाउडरी सा लग रहा है। सो या वैक्स अगर रहता साथ में तो वैक्स वैक्स के थ्रू आईब्रो लगाना थोड़ा आसान हो जाता है और थोड़ा अच्छा होता है, बट कोई नहीं, देखती हूँ मैं इस प्रोडक्ट को यूज करके फिर आप लोगों को अपडेट जरूर करूंगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये नाइका का प्राइमर। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी इसको लेने का कि अरे नाइका का प्राइमर मैंने अभी तक नहीं ट्राई किया है, इतनी तारीफ सुनी है मैंने इसके बारे में, तो मुझे लगा कि नहीं इस सेल के टाइम पे और अच्छे डिस्काउंट के टाइम पे तो लेना बनता है। तो ये है नाइका का प्रेप मी अप फेस प्राइमर। इसकी एमआरपी है 549 रुपीज और मुझे ये 384 का मिला, तो काफी अच्छे डिस्काउंट पे था और मुझे काफी टाइम से लेना भी था, तो मुझे लगा इससे बेस्ट टाइम तो हो ही नहीं सकता। ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, बहुत ही अच्छे से आपके बेस को स्मूथ बनाता है, पोर्स को ब्लर आउट करता है। मैंने काफी सुन रखा था तो मुझे था कि नहीं इस बार तो मैं लूंगी ही लूंगी इसे। इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का है, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। काफी अच्छे से ये मतलब ये पोर्स को इतने अच्छे से ब्लर आउट कर देता है ना, मैंने इस लुक में इसे यूज किया है, मुझे काफी अच्छा लगा। और बेस को इतना अच्छे से आपको हाइड्रेट एंड स्मूथ बनाएगा जब आप इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करोगे ना, ब्लेंड बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, बहुत ही इजिली हो जाएगा, बिल्कुल भी पैची नहीं लगेगा। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसे मैंने रीस्टॉक किया। ओ माय गॉड, काफी लंबे टाइम के बाद मैंने ये के ब्यूटी का ना ब्लश जो है बहुत पहले लिया था, जब शायद लॉन्च हुआ था तब के टाइम पे मैंने लिया था और फिर बहुत टाइम तक यूज भी किया, अभी भी है मेरे पास, बट पूरी तरह से टूट गया था। सेड मुझे इतना पसंद था कि मुझे और कोई सेड ट्राई करने का मन ही नहीं था। मैंने जो सेड लिया है वो है शुगर कैंडी, मुझे ये सेड बहुत ज्यादा पसंद है। इसकी पैकेजिंग तो इतनी क्यूट है ना,
ओ माय गॉड, इनर पैकेजिंग आउटर पैकेजिंग सब कुछ बहुत ही क्यूट है सी। और सेड भी आपको ना आउटर पैकेजिंग से ही देखकर पता लग जाएगा कि हाँ किस टाइप का सेड है। ये जैसे है ये कोरल टाइप का सेड है, तो उसके साथ आपको मिरर भी मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक बिग सा मिरर है। मेकअप करने में आपको बहुत ही मतलब कन्वीनियंट हो जाता है मिरर के साथ अगर कोई भी प्रोडक्ट मिलता है तो। और फिर यहाँ पर एक प्लास्टिक की सीट दी हुई है, एंड जो सेड है वो सेड आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा सेड है। ओ माय गॉड, आई एम इन लव विद दिस सेड गाइस, पर्सनली आई एम इन लव विद दिस सेड। मैं आप लोगों को हैंड पे हैंड स्वच करके दिखा देती हूँ। सी बहुत ही खूबसूरत सा सेड है, एकदम बटरी सॉफ्ट है, ग्लाइड इतने अच्छे से हो जाता है, ब्लेंड इतनी इजीली हो जाता है कि जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, लॉन्ग लास्ट भी करता है। सो या, और हाँ प्राइस बता दूं मैं इसका, प्राइस देख लेती हूँ मुझे याद नहीं है, ये इसकी प्राइस है 899 और मुझे मिला 674 का। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो अगेन नायका का ही है, ये नायका का कॉन्टोर एंड हाईलाइट डुओ है, 9 ग्राम का है, प्राइस है इसकी 749 रुपीज और मिला है मुझे ये 375 का, बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे मिला मुझे ये। और हाँ एक कंफ्यूजन हो गई यहाँ पर, मैंने जो आप लोगों को कॉन्टोर दिखाया था, रिमल लंदन का जो ब्रॉन्जर दिखाया मैंने, उसका प्राइस मैंने ये नायका का प्राइस आप लोगों को बता दिया, उसका प्राइस रिमल लंदन वाला ब्रॉन्जर जो है उसका प्राइस है 540 उसकी एमआरपी है और मिला मुझे 370 का। सॉरी गाइज, हाईलाइटर भी है इसमें और कॉन्टोर भी है। सी सेड आप बाहर से ही देख सकते हो सेड को, और अगेन इसमें भी प्लास्टिक का सीट है, ये हाइलाइटर सेड है और ये कॉन्टोर सेड है, आप देख सकते हो। आज के लुक में मैंने इस कॉन्टोर को यूज किया, कॉन्टोर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बट थोड़ा सा मुझे हाइलाइटर भी अच्छा है, बट मैंने जो अलग से नायका का हाइलाइटर लिया है ना वो भी डुओ है, वो हाइलाइटर मुझे ज्यादा अच्छा लगा। ये हाइलाइटर है थोड़ा बट पाउडरी टाइप का लगा मुझे, तो मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आया। हाँ इसका कॉन्टोर सेट मुझे पसंद आया। एक लिक्विड ब्लश ली है, ये है फ्लावर ब्यूटी का बिटन ब्लश, इसमें भी आपको 3-4 या 4-5 सेड मिल जाएंगे। ये लिक्विड ब्लश है, इसे यूज तो नहीं किया है मैंने अभी तक तो, पर बट कलर बहुत ही खूबसूरत, मैंने इसका कलर निकाल कर देखा था अपने हैंड पे, कलर बहुत ही खूबसूरत है। 800 इसकी एमआरपी है और 400 का मिला, मीन्स टोटली 50% डिस्काउंट पे मुझे ये ब्लश मिला। और इसका सेड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा आ गया दिखाने के लिए, बहुत ज्यादा आ गया। ओ माई गॉड, बहुत ही खूबसूरत सा ये, मतलब मॉविस पिंकिस कलर आप बोल सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने एक और एक ब्लश ली है, ये है लव अर्थ का क्रीम ब्लश है, ये 599 इसकी एमआरपी है और मुझे मिला है ये लव ब्लश 269 का मुझे ये मिला। ये इसमें भी आपको 5-6 शेड तो जरूर ही है। शेड नेम है गॉट योर बैक, यहाँ पर एक लिड है प्लास्टिक का, इसे हम रिमूव करेंगे एंड देखेंगे कि ये कैसा है, क्योंकि मैंने अभी तक लव अर्थ का कोई भी ब्लश नहीं यूज किया, तो ये मैंने एक न्यूट शेड में लिया है, अब मेरे पास ना जगह नहीं है। ये देखो, फिर मैंने ये ली है लेंस, ये है पैक का आयरिस लक्स कॉन्टेक्ट लेंस, 1 मंथ लेंस है। अगेन मैंने टोपाज शेड ही लिया है, जो मैंने वेयर किया है सेम यही शेड है। इसकी प्राइस है, एमआरपी है 895 रुपीज और हमेशा ही इस पे ना, मतलब जो इसकी प्राइस रहती है हमेशा मैंने इसको उसी प्राइस पे लिया है, शायद एक बार ही डिस्काउंटेड प्राइस पे लिया था, तो इस बार भी मैंने जब देखा इसको तो देखा कि अरे इसकी प्राइस 716 या 15 ऐसे करके था, तो मैंने सोचा कि आखिर तो लेना ही है तो फिर चलो फिर ले ही लेते हैं। तो ये टोपाज शेड है, इसके भी शेड मैंने 2-3 यूज किए हैं, एक एम्बर मैंने यूज किया, सॉरी एक एम्बर यूज किया, ये टोपाज मैंने यूज किया है, मूनस्टोन यूज किया, तो सब में से मुझे अच्छा लगा। एम्बर भी अच्छा है, ब्राउनिश टाइप का शेड है, ये टोपाज में मतलब ग्रीनिश कलर है, तो शेड तो सारे ही अच्छे हैं इसके और बहुत ही अच्छा है, मतलब कंफर्टेबल है ये लेंस जो है और इजी टू वेयर है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं आपको कि मतलब इचिंग होती है या बर्निंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा है। आपको एक केस मिल जाता है, एक एप्लीकेटर मिल जाता है और यहाँ पर ये लेंस है। मतलब सेल एक ऐसा टाइम पीरियड होता है ना कि उस टाइम पे अगर आपको लेना है ना कोई चीज तो जरूर से जरूर लो, उस टाइम के लिए सेव करके रखो कि नहीं मैं उस टाइम पे लूंगी, और ये आई थिंक साल का सबसे बड़ा सेल था। फिर मैंने लिया है ये नायका का ही ब्लशर,
तो या ये एक डुओ ब्लश है, आई थिंक 500 या 600 का ये ब्लश था और मुझे ये 300 अराउंड मिला, मतलब काफी अच्छे डिस्काउंट पे था ये ब्लश जो है। और डुओ है तो सबसे अच्छी बात है, और आप सेट बाहर से ही देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, प्लास्टिक का यहाँ पर एक सीट दिया हुआ है एंड सेट बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इस सेट को यूज किया, मैंने इस सेट को यूज किया है, इस सेट को यूज नहीं किया, बट मैं आप लोगों को स्वैच दिखा देती हूँ दोनों का ही। सी हैंड स्वैच देख सकते हो, दोनों ही कलर काफी अच्छे हैं, बटरी सॉफ्ट भी है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया जब मैंने इसे यूज किया। मैंने इसे ही अभी अप्लाई किए हुए अपने चिक पे, तो ब्लेंड काफी अच्छे से हो गया और काफी अच्छा अफोर्डेबल ब्लश कहला जाएगा अगर ये आप डिस्काउंटेड प्राइस पे लेते हो तो। फिर मैंने लिया है ये कलर बार का मस्कारा, मैंने बोला था ना कि मैंने दो तीन मस्कारा लिया है, मैंने यूज किया हुआ है पहले, तो या काफी अच्छा मस्कारा है ये, और ये भी बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे था, सो मैंने इसे ग्रैब कर लिया जल्दी से, क्योंकि अच्छी अच्छी मस्कारास तो होने ही चाहिए हमारे पास। तो इसकी प्राइस है कलर बार मस्कारा 650 इसकी प्राइस है एमआरपी, और 390 रुपीज का मिला, और काफी अच्छा है। मतलब इसमें ना दो वॉन्ड है, एप्लीकेटर दो है, ये एक थिक सा है जो आप अपर लैसेस को अच्छे से कर लो एंड देन कोट कर लो, दो से तीन कोट, और फिर दूसरा वॉन्ड जो है इस तरीके का है पतला सा, तो आप नीचे के लैसेस को अच्छे से इससे लगा सकते हो। तो ये मस्कारा की एक खासियत है तो ये मस्कारा की ये खासियत है और काफी अच्छा मस्कारा है ये। मेकअप नहीं भी करो ना, मस्कारा लगा लो, ओ माय गॉड, आपकी आईज इतनी ओपन अप लगती है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है ना, जो ये कहावत है ना कि चार चांद लगा दिया है, वैसे ही बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है। और जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये नायका का आई शैडो, ये है नायका का ड्रे ड्रीमिंग आई शैडो पैलेट। ओ माय गॉड, अगेन मैं बोलूंगी कि मैं इस पैलेट को काफी दिनों से सोच रही थी लेने को, बट मैं डिस्काउंट प्राइस का हमेशा वेट करती हूँ कि डिस्काउंटेड प्राइस पे जाए, सेल के दौरान ही मैं लूंगी। तो इसके एमआरपी है 599 रुपीज और मुझे मिला ये 300 रुपीज का। पहली बार मैंने इस पे इतना ज्यादा डिस्काउंट देखा तो मुझे था कि नहीं अब तो ले ही लेती हूँ, बहुत दिनों से सोच रही हूँ, बहुत महीनों से सोच रही हूँ, तो इसमें भी आपको 3 से 4 सेट मिल जाता है। और इसी पैलेट को यूज करके मैंने ये आई लुक भी क्रिएट किया है। मैं हैंड स्वेचेस यहाँ पर पिक्चर मैं इंसर्ट कर दूंगी, ये कुछ इस तरीके का नजर आता है, आप देख सकते हो कलर बहुत ही खूबसूरत से दिए हुए हैं, बहुत तरीकों के आई लुक आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर ये ब्रश दिया हुआ है, अगर आप बिगनर हो तो आपके थोड़ी सी हेल्पफुल हो सकती है, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं खुद ही इस टाइप का ब्रश नहीं यूज करती हूँ, हाँ स्मजिंग में आपको हेल्प हो सकती है। सो या ये कलर है, कुछ कलर मैंने यूज किया है, फॉल आउट नहीं हुआ, मैंने जो भी कलर अभी तक यूज किए उससे फॉल आउट नहीं हुआ, बटरी सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स हैं, कलर्स की चॉइसेस इसमें जो दी हुई है वो कलर सारे ही बहुत ही खूबसूरत हैं, और ब्लेंड भी काफी इजिली हो गया, फॉल आउट भी नहीं हुआ ज्यादा। सो या बहुत ही अच्छी डील थी, तो ये मैंने आई शैडो पैलेट लिया जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये थी कुछ चीजें जो मैंने नायका से ली थी। सो मुझे था कि नहीं चलो रिकमेंडेशन वीडियोस तो मैं नहीं शेयर कर पाई कोई नहीं, पर क्या क्या चीजें ली है मैंने अपने लिए वो तो मैं जरूर ही शेयर कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें थी, कुछ को मैंने यूज किया था, कुछ को मैंने दोबारा रिस्टॉक किया, कुछ को मुझे फर्स्ट टाइम मैंने लिया है, तो देखते हैं कि कौन कैसा वर्क करता है वो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगी। सो या गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। अगर मुझे आज पहली बार देख रहे हो या फिर मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हो, तो मैं हूँ सोनल, मेरे चैनल का नाम है मुस्कान हैप्पीनेस। मैं वीडियोज बनाती हूँ रिलेटेड टू स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, ऑल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो या अगर मेरी कंटेंट आप लोगों को पसंद आती है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे काफी अच्छा लगेगा और मेरे लिए एक हेल्प भी हो जाएगी। सो या गाइस, दैट्स इट, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।